अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ एक दिन शेष है। ऐसे में भव्य तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन अयोध्या में कई बड़ी हस्तियां पहुंचने वाली हैं। ऐसे में अयोध्या नगरी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्लैक कैट कमांडो को दी गई है, जिन्हें शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात कर दिया गया है। शहर में अत्याधुनिक स्मार्ट जैमर लगाया गया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अयोध्या नगरी को फुल प्रूफ सुरक्षा दी जा रही है। वहीं श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यूपी पुलिस का डायल 112 निगरानी केंद्र लता मंगेशकर चौक पर बनाया गया है। यही नहीं, सुरक्षा में तैनात एनडीआरएफ की टीम ने राम जन्मभूमि के पास कैंप लगाया है, जिससे वे हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्राकृतिक आपदा और मानव रचित आपदा को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। शहर में अप्रिय घटना को रोकने के लिए बख्तरबंद वाहनों को भी तैनात किया गया है। यही नहीं, अयोध्या को रेड और येलो जोन में बांटा गया है। रेड जोन में पीएससी की 3 बटालियन की तैनाती है, जबकि येलो जोन में 7 बटालियन तैनात हैं। गौरतलब है कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, साथ ही देश और विदेश के 7,000 विशिष्ट अतिथियों को कार्यक्रम के लिए न्योता दिया गया है, जिसमें राजनीतिक जगत, मनोरंजन जगत समेत तमाम हस्तियां शामिल हैं।